If you are a lawyer and you want to become a barrister in the UK, you must watch this video. In this video, we are going to answer all of the questions regarding Bar at Law. My name is Junaid Suhail and along with me is Advocate Sheikh Azim, and we welcome you all to Edify Group of Companies. Assalamu alaikum, namaste, adab, sasri akal. मैं हूं जुनैद सुहेल और मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम एडवोकेट शेख अजीम साहब। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह यूके में बैरिस्टर बन सकते हैं, यूके में बैरिस्टर बनने के लिए आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या प्रोसेस है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है और किस तरह आप यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल हो सकते हैं। जी अजीम भाई, जैसे कि आप खुद एक वकील हैं और हमारे पास बहुत सारे वकील बरादरान हमारे पास आते हैं, बिल्कुल, तो जिन लोगों ने यहाँ से LLB किया है तो वो यूके में किस तरह से बैरिस्टर बन सकते हैं? थैंक यू सो मच जुनेद। सबसे पहले तो मैं, जैसे जुनेद ने बताया कि मैं ख़ुद भी लॉयर हूँ और मैं DBA फैसलाबाद का मेंबर भी हूँ। तो मुझे जब से मैंने ये डिग्री कंप्लीट की है, जब भी मैं किसी को बताता हूँ कि मैं लॉयर हूँ, तो सबसे पहले मुझसे यही क्वेश्चन होता है कि हम बार एट लॉ कैसे कर सकते हैं, हम बैरिस्टर कैसे बन सकते हैं और ये इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी एप्लीकेशन सिस्टम कैसे है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए जिसमें हम आपको सारा गाइड करेंगे कि बारट लॉ की जो डिग्री है वो कैसे हासिल की जा सकती है, उसका एडमिशन किस तरह से होगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ कि ये जो बारट लॉ है, जिसको हम BPTC बोलते हैं एकेडमिक लैंग्वेज के अंदर, फॉर मी इट इज़ नॉट अ डिग्री, आई बिलीव इट इज़ अ प्रिविलेज कि आप बैरिस्टर, आपके साथ टैग लगता है बैरिस्टर का और ये वो टैग है जो जितने भी हमारे लीडर्स हैं, कायद अजम हैं, जो भी हम बड़े नाम लेते हैं वो भी आपको पता है कि बैरिस्टर थे। भारत लॉ के लिए जो क्या नाम उसका रिक्वायरमेंट्स हैं वो दो तरह से हैं। एक तो वो हैं जिनके पास UK क्वालिफाइंग लॉ डिग्री है, जैसे हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे UCL है, रूट्स है, ये डिग्री करवा रहे हैं एक्सटर्नल लॉ डिग्री जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जो है ना वो एफिलिएटेड है, इशू होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अंदर भी दो तरह की डिग्रीज है, UK क्वालिफाइंग लॉ डिग्री है, एक नॉन UK क्वालिफाइंग लॉ डिग्री है। जो UK क्वालिफाइंग लॉ डिग्री है उनके लिए तो बड़ा एक स्मूथ सा प्रोसीजर है, हम आज उसी को डिस्कस करेंगे। जिनके पास डिग्री है पाकिस्तान की LLB की या LLB ऑनर्स है या कोई भी बैकग्राउंड है और वो कोई भी बैकग्राउंड है उनके लिए सेपरेट से प्रोसीजर है। उनको UK क्वालिफाइंग लॉ डिग्री के लिए एक GDL का प्रोग्राम करना पड़ता है टू बिकम एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन द बारट लॉ प्रोग्राम। आज हम डिस्कस करते हैं वो स्टूडेंट्स जिनके पास UK क्वालिफाइंग लॉ डिग्री है। UK क्वालिफाइंग लॉ डिग्री जिनके पास है उसमें भी आगे देखना पड़ता है कि उनकी जो डिग्री है उसकी परसेंटेज कैसे, जैसे 1:1 है, 2:1 है, 2:2 है, जिनके पास है वो चीज़ को समझते हैं कि ये परसेंटेज होती है जिसके ऊपर आगे एडमिशन मिलता है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन लेती हैं 2:1 के ऊपर और 2:2 के ऊपर भी काफ़ी यूनिवर्सिटी जो है ना वो एडमिशन ग्रांट कर देती हैं। अच्छा, अब अगर आपके पास UK क्वालिफाइंग लॉ डिग्री है, इसके जो BPTC के, जिसको हम बारट लॉ कहते हैं, उसका जो एकेडमिक कहते हैं वर्ड है, दैट इज़ BPTC बार प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग कोर्स, BPP ने इसका नाम, BPP यूनिवर्सिटी ने इसका नाम रखा है BTC बैरिस्टर ट्रेनिंग कोर्स। प्रीवियसली इसकी एप्लीकेशन लॉग इन हो रही थी थ्रू बार सेस, ठीक हो गया। इस साल से बार सेस ने जो एप्लीकेशंस हैं वो सारी दे दी हैं यूनिवर्सिटीज़ को, यानी कि जो BPTC प्रोवाइडर्स हैं वो खुद एप्लीकेशन जो है ना वो डायरेक्टली ले सकते हैं स्टूडेंट्स से, ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि आपको UK क्वालिफाइंग लॉ डिग्री चाहिए, उसके बाद आपको इसमें IELTS चाहिए 7.5 इन ईच मॉड्यूल, उसके बाद आपको एक BCAT होता है जिसको बोलते हैं बार कोर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, वो आपका इधर लाहौर यूनिवर्सिटी UET में होता है, कहते हैं जो बच्चे पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं उसकी 170 pounds, 150 pounds फीस है, वो पे करके आप वो बार BCAT का जो है ना वो एक टेस्ट है, एंट्रेंस एग्जाम वो पास करना पड़ता है, आपको वो प्रोवाइड करते हैं आप। और उसके साथ साथ आपको क्या नाम है आपका, एक 4 INs हैं इस वक्त UK में, 4 INs हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे आपका लिंकन्स इन है, जैसे आपका ग्रेज इन है, टेम्पल इन है, उसमें से आपको एक की मेंबरशिप लेनी पड़ती है आपको कैश लेटर इशू होने से पहले, ठीक हो गया। तो ये तो हैं उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स कि आपने एडमिशन लेना कैसे। और अभी इस वक्त इसके एडमिशन ओपन है, इसके एडमिशन ओपन होते हैं
15th ऑफ नवंबर को, अभी इसके एडमिशंस ओपन है और इसके एडमिशंस जो हैं वो होते हैं रोलिंग बेसिस के ऊपर। इट मींस के जो एप्लीकेशन पहले आएगी उसको एडमिशन मिल जाएगा, फर्स्ट कम। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही इसके। अच्छा अजीम भाई, जैसे आप बता रहे थे जनरल आपने एंट्री रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं बीपीटीसी? बेसिकली जुनेद इसमें ना टोटल 8 प्रोवाइडर्स हैं जो क्या नाम उसका बीपीटीसी कोर्स प्रोवाइड करते हैं। उसमें कार्डिफ यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिफ लॉ स्कूल है, उसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, उसके अंदर मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, उसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड है, और उसके अंदर एक बीपीपी यूनिवर्सिटी ने इसका नाम चेंज कर दिया है, इसका नाम रख दिया उन्होंने अब बैरिस्टर ट्रेनिंग कोर्स, लेकिन इसका जो बेसिकली पर्पज़ है वो सेम है। तो ये जो कोर्सेज यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, तो हर यूनिवर्सिटी का क्या सेम क्राइटेरिया है या कुछ यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया डिफरेंट भी है? देखें जो बीपीटीसी की एक होता है बीएसबी, उसे बोलते हैं बार स्टैंडर्ड बोर्ड, एक तो रिक्वायरमेंट्स वो हैं जो बीएसबी ने सेट कर दी हैं, जैसे 7.5 आइल्स चाहिए आपको, किस तरह आपको इनोफकूट की मेंबरशिप चाहिए, किस तरह आपको बी कैट का जो एग्ज़ाम वो पास करना है, कुछ कहते हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी ने अपनी भी सेट की हुई हैं। जैसे कि जो कहते हैं बीपीपी यूनिवर्सिटी है वो लेती है बैचलर्स की डिग्री 2-1 की, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज हैं वो 2-2 के ऊपर भी ले लेती हैं, उसी तरह जो बीपीपी यूनिवर्सिटी है और जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है ये आपसे एक वीडियो रिक्वायर्ड करते हैं 5 मिनट की, जिसको बोलते हैं एडवोकेसी वीडियो। वो आपने उसके कुछ 6 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपने उनको परसुएट करना है, आपने कन्विंस करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह की हैं, आपकी जो है ना वो डिलीवरिंग स्किल्स किस तरह की हैं, एडवोकेसी स्किल्स किस तरह की, कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह की हैं, आपने उस पर कन्विंस करना है आपको। तो दो बीपीपी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, इनका थोड़ा सा क्या नाम उसकी रिक्वायरमेंट एक वीडियो की भी है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो रिक्वायरमेंट वीडियो की नहीं है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि एसओपी जो नॉर्मल रिक्वायर्ड होती है इसके लिए किसी भी कोर्स के लिए, बीपीटीसी के लिए बारेट लॉ के लिए आपको एसओपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके 6 क्वेश्चन होते हैं जो कि बीएसबी जो बार स्टैंडर्ड बोर्ड है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने जो है ना वो क्राइटेरिया सेट किया है, उन 6 क्वेश्चंस का आपने आंसर करना होता है। वो जब आप कहते हैं एडमिशन्स के लिए, जारी बात है आप हमसे अप्रोच करेंगे तो आपको हम वो उसका पूरा सैंपल प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा अजीम भाई, ये तो बात हो गई प्रायर टू एडमिशन्स के, आपने एडमिशन लेना किस तरह से है। अब अगर हम बात करें इसका रूट क्या है आफ्टर इनरोलमेंट, यूनिवर्सिटी के अंदर आप इनरोल हो गए हैं उसके बाद बीपीटी बैरिस्टर बनने के लिए क्या रूट है? देखें सबसे पहले आपकी आ गई कहता हूँ उसका डिग्री बैचलर्स की, ठीक है, जो कि यूके लॉ क्वालिफाइंग डिग्री है, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिशन हो गया बीपीटीसी के अंदर या बीटीसी के अंदर जो क्या नाम उसका बीपीपी का रूट है, या कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कहते हैं उसका बीपीपी यूनिवर्सिटी है वो ज्वाइंट कोर्स भी ऑफर कर रही है विद एलएलएम, ठीक है। उसमें यह है कि आपको बीटीसी भी मिल जाता है और क्या नाम उसका प्लस आपको एलएलएम की डिग्री भी मिल जाती है, ठीक है। आपने वो कंप्लीट कर लिया, उसके आपके कहते हैं 1 साल का वो मॉड्यूल है, ठीक हो गया। उसमें आपके 2 तरह से ट्रेनिंग होनी है, एक आपका एग्जामिनेशन पार्ट होना है, एक आपका ट्रेनिंग पार्ट होना है। जब आपने वो कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपको जिस कोर्ट की आपने मेंबरशिप ली हुई, जिस इन की आपने मेंबरशिप ली हुई है वो आपको कॉल अपॉन करते हैं और उसके बाद आपकी शुरू होती है पीपल एज। पीपल एज जो है ना वो भी 1 साल की है, ठीक हो गया। पीपल एज क्या चीज़ है? पीपल एज ये चीज़ है कि आपने एक जो एक्सपीरियंस्ड बैरिस्टर है उसके चैम्बर के अंदर जाके आपने प्रैक्टिस करनी है। और जो पीपल एज है वो भी 2 तरह से होती है, एक उसके 2 पार्ट्स हैं। 6 माह का पहला हिस्सा वो है जिसमें आपने शेडो केसेस करने हैं, यानी कि जो बैरिस्टर प्रैक्टिस कर रहा है आपने उसी को जो है ना वो असिस्ट करना है, शेडो केसेस में करना है। और उसका जो अगले 6 माह का पार्ट है उसमें आपने खुद जो है ना अपने केसेस भी आप उसमें कहते हैं प्रसू कर सकते हैं और आपने खुद जो है ना वहाँ पर जाके बाकायदा पेश हो के, यानी कि बाकायदा आपने कोर्ट में अपीयर हो के आप खुद भी उसमें आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं। तो ये आपका पीपल एज का जो है ना वो अच्छा आपका डिग्री होगी, उसके बाद बीपीटीसी हो गया, उसके बाद आपका आ गया क्या नाम उसका पीपल एज आ गया, उसके बाद जो है ना आप क्वालिफाइड बैरिस्टर बन जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको इंटायरली गाइड कर दिया सेक्शंस के अंदर। अभी इनके अंदर जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कि आपके पास डिग्री कौन सी है और आपका सिनेरियो क्या है। तो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी ईमेल पे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ,
कि अभी इसके एडमिशन्स ओपन है क्या नाम उसका सितंबर इंटेक के लिए, इसका एक ही इंटेक होता है सितंबर इंटेक, और 6 अप्रैल से पहले जो अप्लाई करेंगे उनको मेंबरशिप भी क्या नाम उसको स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रही है बीबीबी यूनिवर्सिटी, और प्लस मैंने स्टार्टिंग में भी ऐड किया था ये रोलिंग एडमिशन्स होते हैं, तो इसमें जब कहते हैं सीट्स फुल हो जाएंगी तो एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे, इसमें डेडलाइंस नहीं होती. तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके पास यूके क्वालिफाइंग लॉ डिग्री है, स्पेशली हमारे रूट्स के जो यूसीएल के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका प्लान है बारेट लॉ करने जाने का, यू शुड स्टार्ट योर प्रोसेस नाउ, क्योंकि अभी आपने बीकैट भी करना है, अभी आपने इन ऑफ कोर्ट की मेंबरशिप भी लेनी है, और फिर क्या नाम उसका एसओपी वगैरह और आईएलटीएस भी अगर, लेकिन आपने घबराना नहीं है, वो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, हम आपको पूरी प्रॉपर गाइड कर सकते हैं. जी बिल्कुल प्रॉपर गाइड. वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.